नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। पितृपक्ष शिव महापुराण की कथा में से मैंने एक छोटा सा प्रसंग लिया है, जिसमें परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बताया है कि पितृपक्ष में कुछ खास नियम होते हैं जिन्हें जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं, तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए, और नाम वो नाना नानी का ले करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, तो करे। दो भाग होते हैं, जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं, तो रोटी को बीच में से तोड़कर रोटी, तो एक भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, को भी मिले ससुराल को भी। जब गया जी का पिंड होता है, तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। दो भाग, पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि दो पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों, दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज बिंदु प्रेतियोनी में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर रही है। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा, पार्वती मैया की सहेली बन गई, और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी क्या जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुम रुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कह सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए। हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं। तुम रुका जी से कहा, कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है, मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तुम रुका जी बोलते हैं, केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा, तुम रुका जी ने शिव महापुराण में कहा, सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहुत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है, घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृ दोष है। क्या करा जाए फिर, क्या करोगे? महाराज हृदय शांति, हृदय शांति। केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तुम रुका जी कहते हैं, जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदुक को तारने वाली नहीं है, इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन किसी भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए, तब क्यों
क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोल देंगे अच्छा है खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगे, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी, जरा विचार करिए,